पूरे देश में गर्मी का तापमान बढ़ता जा रहा है। लोगों का घर से निकलना दुर्भर हो गया। भीषण गर्मी में तमाम संक्रामक बीमारियां पैर पसारने लगी। अस्पतालों में मरीजों की भीड़ बढ़ने लगी और तापमान दिन प्रतिदिन कम होने के बजाय बढ़ता जा रहा है। ऐसे में चिकित्सकों ने जनहित में मीडिया के माध्यम से जनता को सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि भीषण गर्मी में स्वस्थ रहने के लिए अपने खान पान पर विशेष ध्यान रखें। तेज नमक मिर्च वाले खानों का प्रयोग ना करें। जसपुर से प्रदीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। टेम्परेचर 42-43 के आसपास पहुंच गया है। इस समय में जनरली बच्चों में देखा गया है कि डिहाइड्रेशन संबंधी बीमारी के लक्षण ज़्यादा प्रकट हो रहे हैं। बच्चों को इस टाइम लू में बाहर ना भेजें और घर पे ORS या इलेक्ट्रोल इन सब चीज़ों का पानी बच्चों को लगवाएं। और डायरिया और टाइफाइड के केसेस भी काफ़ी अस्पताल में आने शुरू हो गए हैं। हमारे अस्पताल में भी लगभग 10-12 पेशेंट डायरिया और टाइफाइड से पीड़ित भर्ती है। तो इस समय ध्यान ये रखें कि बच्चों को लू से बचाएं, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। इसके लिए ये है कि ताज़ी सब्जियां खाएं, ताज़े फ्रूट्स खाएं और किसी भी गंदे पानी से बचें। साथ ही कुछ जगह पर या बच्चों में वायरल चल रहा है तो ये भी उससे एक दूसरे के कॉन्टैक्ट को अवॉइड करें और खूब पानी पीते रहें।